Right descending to determine internal resistance of premise with help of potentiometer. ठीक है, तो देखिए जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है उसके पास ही तरफ उसके पैरेलल क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बार जोड़ देते हैं, उसके पैरेलल क्या करते हैं एक रेजिस्टेंस बार जोड़ देंगे विद ए प्लग की, एक प्लग की से जो है एक रेजिस्टेंस बार जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से वायर निकालते हैं, इन दोनों को आपस से जोड़कर क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए से जोड़ देते हैं। ठीक है, व्हिच इज कनेक्टेड विद ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू अ अमीटर, एक अमीटर के थ्रू जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉइंट ए जोड़ा जाता है और जिसको कनेक्ट करते हुए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से। ठीक है, और क्या देखें अब बैटरी का दूसरा एंड क्या होगा, दूसरा एंड रियोस्टेट के फिक्स एंड से जोड़ दिया जाता है और फिर रियोस्टेट का जो वेरिएबल एंड है वहां से कॉइल निकाल करके पोटेंशियोमीटर पे दूसरे एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कॉइल निकालेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर निकालेंगे, इसको प्लग के एक एंड को जोड़ेंगे और प्लग के दूसरे एंड से जो है एक वायर निकाल करके और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आने वाले दोनों वायर को जोड़ देंगे और उसको जोड़ के क्या करेंगे गैलोमीटर गैलोमीटर के एक एंड से जोड़ देंगे और गैलोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी से जॉकी को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये कनेक्शन जब कर देंगे फिर चेक करेंगे कनेक्शन हमारा सही है, वोल्टेज हमारी जो है इस टाइप से कि ये पॉइंट कर सकते हैं नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए क्या करते हैं जॉकी को हम एक पॉइंट पर टच कराएंगे लेफ्ट डिप्रेशन इन जॉकी को हम इन लेफ्ट है बी पर टच कराने पर भी लेफ्ट आता है जिसका मतलब वोल्टेज प्रॉब्लम या फिर कनेक्शन प्रॉब्लम ना, एक ही डायरेक्शन अगर पॉइंट करते हैं आपके डिप्रेशन जाता है इसका मतलब वोल्टेज की दिक्कत है या फिर कनेक्शन की कोई दिक्कत है, कनेक्शन को टाइट कर लीजिए और ये स्टेट के से करंट की वैल्यू चेंज कर लीजिए, जब करंट चेंज करिएगा तो वोल्टेज आपका एडजस्ट हो जाएगा, वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करेंगे कि अगर जॉकी को ए पर टच कराते हैं तो गैलोमीटर में डिप्रेशन लेफ्ट आना चाहिए, बी पर टच कराते हैं तो राइट आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कनेक्शन आपका और वोल्टेज बराबर दोनों सही है। ठीक है, अब जिस सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेजर करना होता है उसको पहले सर्किट में लाते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे ये प्लग की को हटा लेंगे, प्लग की क्या करेंगे यहाँ पे प्लग की लगा देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर अरे रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जो प्लग की लगी है उससे प्लग हटा दिया जाएगा। ठीक है, और सेल आर में जो प्लग की लगी उसमें आप प्लग की लगा दीजिए है, तो सेल आपकी क्या होगी मतलब सर्किट में आ जाएगी, सेल क्या होगी सर्किट में आ जाएगी और सेल अपने करंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, सेल अपने करंट में की डायरेक्शन देगा, अब बैटरी करंट किधर जा रही थी ए बी में जा रही थी लेकिन अब बैटरी के लोएस्ट रेजिस्टिव पाथ ये मिल जाएगा, सेल वाला पाथ मिल जाएगा, इसलिए आप बैटरी करंट आपकी सेल की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अब ये दोनों करंट क्या है दूसरे का अपोजिट ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि जॉकी को एक बार टच करा करके धीरे धीरे वायर के नाम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ती जाएगी और जब बढ़ते बढ़ते सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर देगा तो जितना सेल करंट देगा उतना ही बैटरी करंट देगा, तो दोनों करंट एक दूसरे क्या करेंगे न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो आ रहा है जो ये लेंथ होगी वो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये लेंथ क्या हो जाएगा सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बताएगा ना, तो लेट डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट सर्किट ये इसके में देखिए सर्किट आपका क्या ओपन है ना, क्योंकि ये आज ओपन है तो सेल अपने कोई कंडीशन नहीं दे रही है, तो फॉर ओपन सर्किट क्या हो जाएगा लेट डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फॉर ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट फ्रॉम हाईएस्ट वोल्टेज ए फ्रॉम हाईएस्ट
अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो है यहां प्लग की लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं प्लग की। जब इसमें लगेगा तो देखिए अब सेल के लिए लोअर रेजिस्टिव पाथ ये मिलेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला पाथ है, सेल के लिए लोअर रेजिस्टिव पाथ होगा, तो सेल करंट अब इधर आएगा है ठीक है। तो अब जो है इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वोल्टेज गिरेगा उस करंट को बैटरी करंट बैलेंस करेगा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम 2 ओम या 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेते, जैसे 1 ओम निकालते हैं ठीक है, और 1 ओम निकालने के यहाँ से प्लग से हटा दीजिए, 1 ओम आ जाएगा पास में, यहाँ से जाएगा तो 2 ओम का ये है, तो 1 और 2 मिलकर के 3 ओम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है जैसे 1 ओम निकाल लिया, 1 ओम निकाले तो 1 ओम में जो वोल्टेज मिलेगा ठीक है वो जो है वो बैलेंस होगा। तो अब जो मिलेगा आपका टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, क्या मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि जब सेल क्लोज रहता है तब जो वोल्टेज मिलती क्या होती है टर्मिनल वोल्टेज होती है। तो अब इस केस में जो है लेंथ मान के कितना है, जब बैटरी अपनी करंट जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के 1 ओम में दे रही है, माने वो क्लोज स्टेट में करंट दे रही है, तो उस केस में जो लेंथ मान के ऐड करो कितना है, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम ए का ऐड करो, तो ये लेंथ किसको बता रहा है टर्मिनल वोल्टेज को बता रहा है, बी इक्वल टू के ऐड को बैलेंस करेगा ना ठीक है, तो बी इक्वल टू के ऐड को मिलेगा। अब इसका देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई बी माइनस 1 इसी ग्राफ के अंदर इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल ये होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, इसमें इंटर रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कैपिटल आर K1 upon K2 माइनस 1 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर L1 upon L2 माइनस 1, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ठीक है। इसमें क्या करना होगा, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फॉर ओपन सर्किट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फॉर क्लोज सर्किट है ठीक है, माने रेजिस्टेंस बॉक्स ओपन रहेगा उस केस में, सेल के लिए आप नल पॉइंट निकालेंगे तो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बताएगा, फिर यहाँ प्लग भी लगा दीजिए और फिर नल पॉइंट निकाल लीजिए तो टर्मिनल वोल्टेज को बताएगा ठीक है। तो आप इन दोनों लेंथ को जब मैंने तक के यहाँ वैल्यू रख दीजिए ठीक है, और रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कितना ओम निकाला है, 1 ओम निकाला तो आत्मान 1 ओम हो जाएगा, 2 ओम निकाला है तो आत्मान 2 रख देंगे, 3 ओम निकाला है तो आत्मान 3 रख देंगे, 5 ओम निकाला तो आत्मान 5 रख देंगे ठीक है। इस टाइप से हम 5-6 रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर इससे इंटेलिजेंट निकाल लेते हैं उसके एवरेज या फिर ग्राफ ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड इंटेलिजेंस ऑफ द सेल है, ये भी एक्सपेरिमेंट आप लैब में करिएगा।